कैप्टन। छक्का मैंने कहा था अंजनी के अगली गेंद पे छक्का लग सकता है, अगली गेंद पे छक्का लग सकता है मैंने कहा था, और छक्का मार के ही हार्दिक पांड्या ने जितवाया। तो बड़ी खबर देखिए, ये देखिए किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, ये तस्वीरें हैं। अब वो लोग पांड्या निकालेंगे, खिड़की से नीचे फेंकेंगे। ये उत्साह, ये जोश, भारत ने मुकाबला जीत लिया, शानदार। पाकिस्तान की हार हुई लेकिन क्रिकेट की जीत हुई, क्रिकेट की, एग्जैक्टली क्रिकेट की जीत हुई, और इसको एज अ क्रिकेट ही लेना चाहिए। नेक्स्ट वीक वी विल फेस ईच अदर अगेन एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। और कोई फैंस बात करना चाहेंगे? क्या हुआ, क्या हुआ, जीत गए? सॉरी से नहीं जीते, रुक के बात करते हैं। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मैच खेला, बिल्कुल आखिरी ओवर में फैसला आया है। क्या लगता है कि कहां हार गए? एक सेकंड, कहां हार गए? बाबर की जो मेन विकेट थी उसने रन्स नहीं किए, इसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो 20 से 30 रन्स कम बनाए, इसलिए पाकिस्तान हार गया। तो बैटिंग में आपको लगता है आप हारे? बैटिंग में थोड़ा सा इशू था, बाकी बॉलिंग ओवरऑल बहुत अच्छी थी। चलिए इंडियन फैंस से भी बात कर लेते हैं, विनिंग टीम के जो फैंस आ रहे हैं, लास्ट मिनट पे जाके बिल्कुल फैसला हुआ है, दिल की धड़कने तेज। इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर है, डेप्थ इतनी ज्यादा है कि चिंता करने की बात आपको क्या लग रहा है? हो गई थी बीच में जाकर या आप भी कॉन्फिडेंट थे? विराट कोहली एक अच्छी बुनियाद, जब प्रेशर में थे। हार्दिक पांड्या देखिए फिनिश किया उन्होंने, तीन विकेट 27 रन उन्होंने लिए प्रेशर में आके, वो 27 रन मारा हार्दिक पांड्या, और 27 रन नहीं अभी लास्ट सिक्स भी जोड़िए, तो वो छक्का मार के जीता ना भाई। हम लोग अभी बोले महमिला से कि मन में लड्डू फूटा और उसने सुन लिया, और ये तस्वीर जो इस वक्त हम देख रहे हैं, ये मुझे लगता है अब देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी, जो बम पटाखे जो लोगों ने अपने घर के बाहर जलाना शुरू कर दिया होगा, जश्न मनाना शुरू कर दिया होगा। कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी देर में वो टूटी हुई टीवी की तस्वीर हम टीवी पर लाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ना वो अपने आप को सांत्वना देंगे, वो अपने आप को। बॉयज प्लेड वेरी वेल, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, अगला मैच दे रहे, लेकिन मुझे लगता है ना कि आज वो अपने आप को, लेकिन ये था जो भी था मैच बहुत शानदार था, पैसा वसूल मैच था, आखिरी ओवर में फैसला हुआ, और भारत पाकिस्तान के बीच जैसा मुकाबला होना चाहिए वही मुकाबला हुआ, वैसा ही मुकाबला हुआ। लेकिन देखिए ना, ये हितेन वहां से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, अगर हितेन हमें सुन पाए, हितेन मुझे जवाब दीजिए, आप मुझे ये जवाब दीजिए, आपको कैसे पता था कि छक्का अगली बॉल पर पड़ने वाला है? कैसे पता था मुझे बोलिए हितेन जी, हिंदुस्तान पूछता है। पांड्या पे भरोसा था, एक गुजराती अगर दूसरे गुजराती पे भरोसा नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? आज गुजराती का रक्षण बड़ा दिख रहा है, आउट हुए तो हार्दिक पांड्या, मुझे अपना कॉल लॉक दिखाइएगा जरा, अपना मुझे कॉल लॉक दिखाइएगा और मैसेजेस दिखाइएगा जरा, देखिए कहीं कॉल तो नहीं आई थी। मुझे लगता है इनके पीछे लोग खड़े हैं, माहौल दिखाइए, ये पूरे पूरे इंडिया में जश्न है, पूरे इंडिया में जश्न, दिखाइए वो जश्न, दिखाइए जश्न, बात भी कीजिए। हाँ, इंडिया से तो जश्न की तस्वीरें आएंगी, लेकिन पाकिस्तान से किस तरह की तस्वीरें आएंगी? उन्होंने बेहतर खेला, लेकिन ये है, लेकिन वो गेम को गेम की तरह नहीं लेते हैं, वो टीवी फोड़ते हैं और प्लेयर्स को गाली देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये देखिए ना, आप ये देखिए, T20 का मुकाबला था, कितना अहम मुकाबला था वर्ल्ड कप का, अक्टूबर में पिछले साल, और हम 10 विकेट से आ रहे थे, लेकिन एक भी ऐसी तस्वीर नहीं आई थी कि हाँ टीवी फूट रही है। एक चीज देखिए, इसके बावजूद जो पाकिस्तानी फैंस थे, इंडिया बोला और बोला कि हम सेमीफाइनल, हम पाकिस्तान खेलेंगे, हम इंडिया खेलेंगे, अभी भी उनको उम्मीद है कि जो हमारा सेमीफाइनल होगा, एक और मुकाबला होगा, प्रेडिक्शन हाँ इसको लेकर है। और अब सबसे ये रिएक्शन, देखिए फैंस के रिएक्शंस आने लगे हैं, अब ऐसी तस्वीरें आएंगी जगह जगह पर। देखिए संडे का जो माहौल है ना, इस तरीके से जो स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, स्पोर्ट्स बार होते हैं, वो खचाखच भर जाते हैं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, और वो इस मोमेंट को पूरी तरह से स्पेशल बुकिंग होती है, इस मोमेंट को पूरा बनाते भी हैं संडे, और ये भी देखिए ना कि संडे को रखा भी जाता है। ये स्टाइल देखिए, सर जडेजा के स्टाइल देखिए, सर झुका के सलाम किया हार्दिक पांड्या को, ये देखिए, दैट इज अ गेम स्पिरिट एंड दैट इज रियली अ वेरी गुड थिंग। ये एक अच्छा जेस्चर है अपने साथी खिलाड़ी को सम्मान देना, और
अब कम से कम देख लीजिए ये जो तमाम और ये जो हवन पूजा पाठ हुआ था उसका पुण्य मिल गया वहाँ पे, और आप देखिए वो दुआएं वो प्रार्थना का असर हुआ। और दुबई से कुछ पाकिस्तानी फैंस भी रिएक्ट कर रहे हैं, सुनिए। बिल्कुल चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों ने सबने गेम एंजॉय किया, थैंक यू, हमने भी बहुत एंजॉय किया। कैफ, आप सुन रहे ना किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं कि एक तो हमारे शाहीन शाह आफरीदी नहीं थे, दूसरा हमने बड़ा दिल दिखाकर विराट कोहली का कैच ड्रॉप कर दिया। अच्छा ये पहले से प्रेडिक्शन बड़ा दिल दिखा करके पहले पहले ओवर में सोशल मीडिया पर ये चीज चल रही थी कि जिस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर विराट कोहली से मिल रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अरे कि नहीं ठीक है आप आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन आप बहुत जल्दी रन बनाएंगे। तो खैर पाकिस्तानी फैंस इस तरह के रिएक्शन में लेकर उसमें जो लग रहा था खुशी आ गई पाकिस्तान। अच्छा भाई ने आगे नहीं बोला, अच्छा वो भाई ने भाई रुक गए। बेस्ट बैट्समैन गोस टू हार्दिक पांड्या यार।